जिले के महाविद्यालय में एनएसयूआई ने की तालाबंदी। बालाघाट ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति नए साइंस कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में पीजी की कक्षाओं के संचालन की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जिले के सबसे बड़े कॉलेज पीजी कॉलेज में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी के बाद प्रशासन अधिकारी और पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर प्रदर्शनकारी एनएसयूआई पदाधिकारियों से चर्चा कर मामले को सरकार के संज्ञान में लाकर हल कराने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद एनएसयूआई ने ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म किया। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारी एनएसयूआई पदाधिकारी और छात्रों को जबरदस्ती खींचकर उठाने का प्रयास भी पुलिस द्वारा किया गया। आपका परिचय? एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष दयाल वासनी। सर, आज तालाबंदी की गई थी कॉलेज में, किस मांग को लेकर की गई? आप लोगों को पता है बालाघाट जिले में विगत 2 सालों से ओबीसी की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि पूरे भ्रष्ट हो गए, सब सोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएससी और बीएससी के विषय को लेकर कम से कम 5 सालों से आंदोलन चल रहा है। 40 से 50 सीटें हैं और 50 सीटें होने के बावजूद हर बार सीटें बढ़ाई जाती हैं, 150-200 सीटें होती हैं। सीटें बढ़ाना कोई इसका व्यापक हल नहीं है, सीटें बढ़ाने से कोई हल नहीं लगेगा। यहाँ पर एक साइंस कॉलेज की मांग है, एनएसयूआई के द्वारा 2 वर्षों से साइंस कॉलेज की मांग की जा रही है। यहाँ पर एक नवीन साइंस कॉलेज बन जाएगा तो साइंस कॉलेज से एमएससी और बीएससी वाली जो समस्या दूर हो जाएगी। छात्रवृत्ति की रुकी हुई है, छात्रवृत्ति की समस्या, वो छात्रवृत्ति की समस्याओं को लेकर में, कॉलेज की मांग को लेकर में, ऑटोनोमस के एक सेंटर की स्थापना की जाए इसकी मांग को लेकर में आज एनएसयूआई का पूरे जिले में तालाबंदी का प्रोग्राम था और पूरे छात्रों ने सांकेतिक रूप से गिरफ्तारियाँ दी। आज इसी को लेकर में छात्र छात्राओं का आक्रोश सड़कों पर उतरा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी ने सहयोग दिए, सभी छात्र छात्राओं ने सहयोग। आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति, यदि क्योंकि हमने ज्ञापन दिए तहसीलदार महोदय को, तहसीलदार महोदय ने ये आश्वासन दिए, तुरंत कलेक्टर साहब को फोन लगाया, कलेक्टर साहब ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिए कि 2 दिनों के अंदर में अगर आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई तो उसके जवाबदार प्रशासन रहेगा, करके उन्होंने बोले। और एक डेलीगेशन अभी 12 बजे हम लोगों को बुलवाया है, हमारा एनएसयूआई का पूरे जिले का एक डेलीगेशन अभी जाके मिलने वाला है। अगर से 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर ओबीसी की छात्रवृत्ति पूरी नहीं की जाती, इस बार जो आंदोलन होगा, आर पार का आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरकर बहुत उग्र रूप से आंदोलन।